आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है, जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश से जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रह हो, क्रांति का रास्ता हो, आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने, की भी व्यवस्था की गई। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना, आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ उसके विचारों को, चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए।